राधे राधे दोस्तों, कुकुमित उपासना मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने मैंगो की कई रेसिपीज बनाई है, मैंगो शेक, मैंगो बर्फी और मैंगो की खीर बनाई है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम सबसे अलग और सबसे टेस्टी मैंगो श्रीखंड बनाएंगे। ये कम सामान में बनके तैयार होता है और इसे बनाना भी आसान है, सभी को बहुत पसंद आता है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंगो श्रीखंड बनाने के लिए हम एक कंटेनर में छन्नी रखेंगे, छन्नी के ऊपर पतला कॉटन का कपड़ा रखेंगे, कपड़े में 500 ग्राम दही डालेंगे, अब हम कपड़ा को इकट्ठा करेंगे, मोड़ेंगे और दही का पानी निचोड़ेंगे। हमने दही को निचोड़ लिया है, आप देख सकते हैं कि कितना पानी निकला है। इस पानी से आप कढ़ी बना सकते हैं। अब हम दही के ऊपर एक छोटी सी प्लेट रखेंगे, प्लेट के ऊपर इमाम दस्ता रखेंगे, वजन रखना जरूरी है। अब हम इसे 3 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि इसका सारा पानी निकल जाए और हंग कट बन के तैयार हो जाए। 3 घंटे हो गए हैं, अब हम दही को चेक करेंगे, दही का सारा पानी निकल गया है। अब हम इस पानी को हटा देंगे। अब हम इसे खोलेंगे, आप देख सकते हैं कि हमारा हंकट बन के तैयार हो गया है, कितना क्रीमी लग रहा है। अब हम आगे का प्रोसेस करेंगे। हमने यहाँ पे एक मिक्सर जार लिया है, अब हम इसमें 1 कप कटा हुआ आम डालेंगे, रेशे वाला आम नहीं लेंगे। अब हम इसमें 4 चम्मच चीनी डालेंगे, आप चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसे पीसेंगे और इसका फाइन पेस्ट तैयार करेंगे। हमने आम और चीनी को अच्छे से पीस लिया है। अब हम हंग कट को 5 मिनट के लिए फेटेंगे, आप दही को चम्मच की मदद से भी फेंट सकते हैं। हमने इसे फेंट लिया है, आप देख सकते हैं ये कितना क्रीमी लग रहा है। अब हम इसमें आम और चीनी का पेस्ट डालेंगे, कट किए हुए काजू और बादाम डालेंगे, 1/4 चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। आप अपने कोई भी मनपसंद ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, अगर आप ड्राई फ्रूट नहीं डालना चाहते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। अगर आप रेशे वाले आम ले रहे हैं तो आम का पल्प छान लें, फिर दही में ऐड करें। हमने इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब हम इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे और फिर ठंडा ठंडा सर्व करेंगे। 2 घंटे हो गए हैं, हमारा ठंडा ठंडा मैंगो श्रीखंड बनके तैयार है, अब हम इसे सर्व करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा मैंगो श्रीखंड कितना क्रीमी और स्मूथ लग रहा है, देखते ही खाने का मन करने लगता है। हमने इसे सर्व कर लिया है, अब हम इसे कटे हुए ड्राई फ्रूट से और आम के पीसेस से गार्निश करेंगे। तो लीजिए, बिल्कुल मार्केट जैसा बनके तैयार है हमारा बहुत ही ज्यादा क्रीमी और टेस्टी मैंगो श्रीखंड। आप इसे ऐसे ही सर्व करिए या फिर पूड़ी के साथ सर्व करिए, ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। राधे राधे।